नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं बुलंदशहर की ओर, जहां यूजीसी द्वारा आयोजित जेआरएफ की परीक्षा में बुलंदशहर की बेटी का हुआ चयन। गांव में खुशी की लहर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित जेआरएफ की परीक्षा में जिला बुलंदशहर की बेटी ठाकुर करिश्मा सिंह का चयन हुआ है। इस खबर के बाद उनके पैतृक गाँव में खुशी और जश्न का माहौल है। करिश्मा सिंह बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी ठाकुर सुशील कुमार सिंह की बेटी हैं। इस महत्वपूर्ण परीक्षा में करिश्मा सिंह ने किस प्रकार तैयारी की, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बुलंदशहर से डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है ठाकुर करिश्मा सिंह, डॉटर ऑफ श्री सुशील कुमार सिंह। आई एम फ्रॉम यूपी बुलंदशहर। अभी रिसेंटली मैंने अपना एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक किया है। आई एम इन टॉप 27 इन माई सब्जेक्ट होम साइंस फ्रॉम जर्नल कैटेगरी। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा बैचलर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है और जो मेरा मास्टर्स है वो शारदा यूनिवर्सिटी से फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जारी है। मैंने अपनी प्रिपरेशन जो शुरू की थी वो की थी जनवरी 2020 में और जो मेरा एग्जाम हुआ था वो हुआ था नवंबर 2020 में। एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर है वो दो पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर वन एंड पेपर टू। सो पेपर वन जो है वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन पेपर टू जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे मेरा होम साइंस था। अब होम साइंस का नाम सुनके लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, बट ईजी नहीं है, क्योंकि होम साइंस अपने आप में एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसके छोटे छोटे से बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे टेक्सटाइल है, रिसर्च है, मैनेजमेंट है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है एंड मच मोर। तो सिलेबस तो मैंने कवर कर लिया था टाइम से, लेकिन जो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की थी वो था कि आपके कोर्स वर्क के साथ आप कोई भी प्रिपरेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। उसके लिए मैंने एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी बनाई थी जिसमें मैंने पर डे 3 यूनिट्स को डिवाइड किया था, जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी यूनिट्स जो थी और जो सारा का सारा सिलेबस था वो टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता था। और एक चीज और जो मैंने शुरू से की थी वो थे अपने शॉर्ट नोट्स। मैंने शुरू से ही अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे जिन्होंने एग्जाम टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। अब आगे की स्ट्रेटजी ये है कि मुझे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने 21 वाले सेशन में पीएचडी के लिए एनरोल होना है। सबसे पहले मैंने इस सारे एग्जाम के बारे में अपनी एक प्रोफेसर थी डॉक्टर अंतिमा गुप्ता मैम, मैंने उनसे सुना था क्योंकि वो सेम प्रोसेस से ही वो भी पीएचडी थी, तो मैं सबसे ज्यादा उन मैम से ही इंस्पायर हुई थी। इसीलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू में ही मास्टर्स के सेकेंड सेमेस्टर में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे मास्टर्स के तुरंत बाद पीएचडी में एनरोल होना था और सारी की सारी प्लानिंग के हिसाब से मैंने एनटीए यूजीसी नेट 2020 अपने थर्ड सेमेस्टर में ही क्रैक कर लिया। सो अगर किसी की स्ट्रेटजी और प्लानिंग पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो हो तो जैसे मैंने किया, आप लोग भी अपना एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये जो है एग्जाम वो डिफिकल्ट तो है, लेकिन सही स्ट्रेटजी और सही प्लानिंग के साथ यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम वेरी हैप्पी एंड सो लकी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी जेआरएफ निकले तो सबसे पहले तो पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए और फिर उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हर बच्चे की या फिर हर स्टूडेंट की अपनी स्पेसिफिक और डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। जैसे मेरी डिफरेंट थी तो शायद आपकी भी डिफरेंट हो, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को अपने लिए फ्लेक्सिबल बनाइए ताकि आप उसमें कंफर्टेबल रह सके। सो थैंक यू सो मच, दिस इज माय एडवाइस टू ऑल। प्लीज डू योर प्रिपरेशन विद योर फुल डेडिकेशन एंड यू कैन रियली डू इट। थैंक यू सो मच।